हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में फिर से एक बार। और मैं सुमन सिस्टर, आज की वीडियो में बात करेंगे हम उन माताओं, उन बहनों, उन महिलाओं के लिए, उन लेडीज़ के लिए जिन लेडीज़ ने अभी अभी डिलीवर हुई है, यानी कि जिन्हें नवजात शिशु डिलीवर हुआ है। और जब भी कोई न्यू लेडी, यानी कि पहली बार फर्स्ट बार जिनको बच्चे होते हैं, जिन भी लेडीज़ को, उन्हें बच्चा थोड़ा सा केयर करने में, बच्चे को फीडिंग कराने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। यानी कि जब भी फर्स्ट डिलीवरी जो होती है ना, उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है आज के समय में वो है ब्रेस्ट फीडिंग की। जी हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग की। तो आज हम इसी विषय पे आपसे बात करेंगे। ब्रेस्ट फीडिंग करवाना वैसे कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत इजीली होता है, बच्चा आराम से फीडिंग करता है। बट आज के समय में प्रॉब्लम ये होती है कि कभी कभी हमारी निप्पल बनी हुई नहीं होती है, निप्पल नहीं बनी होती है, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। शुरुआती दौर के अंदर जब भी फर्स्ट टाइम हम डिलीवर होते हैं, बच्चा होता है, तो हमें स्तनपान कराने का, ब्रेस्ट फीडिंग कराने का अनुभव नहीं होता है। इस वजह से भी हमें काफ़ी सारी परेशानियाँ होती है, या कभी कभी निप्पल पे कट लग जाता है, इस वजह से प्रॉब्लम होती है ब्रेस्ट फीडिंग में। कभी कभी हमारे ब्रेस्ट से प्रॉपर मिल्क नहीं आ पाता है, तो बच्चा उससे भूखा रहता है। और जब इस तरह से ऑपरेशन होते हैं, उस केसेस के अंदर ये चीज़ ज़्यादा होती है। ऑपरेशन वाले केसेस के अंदर 3 दिन तक पेशेंट को खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया जाता है, इस वजह से भी उनके ब्रेस्ट में मिल्क नहीं आता है। और आज के समय में जिस तरह से भागदौड़ ज़िंदगी है, तो लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज है। वुमन बाहर वर्क करती है, और जितना हम बच्चे को फीडिंग कराते हैं उतना ही हमारा दूध ज़्यादा बनता है। पर जब बच्चे को आप फीडिंग नहीं करा पाते हैं किसी वजह से प्रॉपरली, तो आपको दूध कम बनता है। जितना बच्चा आप फीडिंग करेगा उतना ही दूध हमारे बनता है। तो यहाँ पे जो फीडिंग कराने से संबंधित समस्याएं हैं, वो उसके काफ़ी सारे कारण होते हैं कि निप्पल बनी नहीं होती है, निप्पल में कट लग जाता है, प्रॉपर मिल्क नहीं आ पाता है, बच्चे का पेट नहीं भर पाता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि निप्पल नहीं बनी होती है, उसके वजह से बच्चा मिल्क नहीं ले पाता है ठीक से। क्योंकि बच्चे को फीडिंग कराने के लिए सबसे पहला हमारे पास निप्पल अच्छे से बने होने चाहिए, चाहे मिल्क आए चाहे नहीं आए। क्योंकि जब बच्चा फीडिंग करता है तो मिल्क अपने आप ही बन जाता है। तो आज के समय में इस तरह से काफ़ी सारी परेशानियों का महिलाओं को सामना करना पड़ता है, और उन्हें खासकर ये दिक्कत होती है जिन्हें फर्स्ट डिलीवरी होती है, तो अनुभव भी नहीं होता है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और ऐसे के अंदर बच्चे को लेके माएँ बहुत परेशान हो जाती है। तो इस तरह से इसके कुछ घरेलू उपाय भी होते हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। अगर आपके निप्पल में कट लग जाता है, बच्चे को दूध पिलाते हैं उससे, या फिर मान लीजिए यहाँ की स्किन बहुत नाजुक होती है, उसकी वजह से भी कट लग सकते हैं, तो आप ऐसे के अंदर यहाँ पे घी का सेवन, घी लगाएं। घी लगाने से आपकी यहाँ पे कट लगे हुए हैं काफ़ी जल्दी ठीक हो जाएंगे, और आपको दर्द में भी काफ़ी आराम मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो भी समस्याएं आज के समय में होती है ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर के, वो बहुत ही क्रिटिकल होती हैं, और वह महिलाएं बहुत परेशान रहती है इस चीज़ से कि हम बच्चे का पेट किस तरह से अच्छे से भर सके। और माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम होता है, और माँ का ही दूध बच्चे को कम से कम हमें 1.5 से 2 साल पिलाना चाहिए, और धीरे धीरे हमें उसको आदत को बदलना भी होता है समय के हिसाब से। तो यहाँ पे जब भी हम इस तरह से परेशान होते हैं, तो हमारे घर में कुछ बुज़ुर्ग महिलाएं होती हैं, वो हमें कुछ स्टेप बताते हैं जिनसे हमारी लाइफ स्टाइल थोड़ी अच्छी हो जाती है। बट अगर आपके परिवार के अंदर कोई भी बुज़ुर्ग महिला नहीं है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। तो ऐसे में वैसे आज के समय में परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर, क्योंकि हम को पता है कि आजकल मार्केट के अंदर सब तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं, जिससे हमारा काम बहुत इजी हो जाता है। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं, ये है ब्रेस्ट पंप, ये अभी नई टेक्निक का ब्रेस्ट पंप है, और ये ब्रेस्ट पंप बहुत ही इजी होता है। इसको ये देखिए, इस तरह से इस पर निप्पल शीट बनी होती है, और इस निप्पल शीट को
हमें निप्पल पे लगाना होता है और इस तरह से पंप होता है, इसको आप दबाते हैं तो आपकी बोतल के अंदर दूध भर जाता है और दूध भरने की वजह से आप बच्चे को बोतल से दूध पिला सकते हैं। मगर बात यह है कि आप कब तक इस तरह से करेंगे, क्योंकि बच्चे को माँ से टच में रहना बहुत ज़रूरी होता है। ये ब्रेस्ट पंप का यूज़ हम जब करते हैं जब हमारे ब्रेस्ट जो है काफ़ी भारी हो जाते हैं, और फर्स्ट डिलीवरी के अंदर कम से कम 99 केसों के अंदर ये प्रॉब्लम आती है कि आपके ब्रेस्ट 2 या 3 दिन तक तो मिल्क आता नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन से ही डिलीवरी होती है तो डॉक्टर खाने पीने के लिए मना करते हैं तो मिल्क नहीं आता है, और जब खाना स्टार्ट करते हैं तो हमारे ब्रेस्ट में मिल्क आता है, और जब बच्चा प्रॉपर मिल्क नहीं ले पाता है तो ब्रेस्ट में मिल्क हमारे काफ़ी सारा भर जाता है और वह दर्द भी करता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमें ब्रेस्ट पंप का सहारा लेते हैं और ब्रेस्ट पंप के सहारे से हम जो भी मिल्क एक्स्ट्रा होता है उसे डिस्कार्ड कर देते हैं, यानी कि इतना मिल्क बच्चा नहीं पी पाता है, इतना छोटा बच्चा जिस तरह से आप बोतल देख रहे हैं तब वो इतना मिल्क तो 1 साल का बच्चा पी सकता है, बट 30 ml या 60 ml से ज़्यादा छोटा बच्चा मिल्क नहीं पी पाता है। तो ऐसे में अगर ब्रेस्ट भारी हो जाते हैं, ब्रेस्ट में दूध भर जाता है, पेन होता है, तो आपको ब्रेस्ट में से मिल्क को बाहर निकाल के डिस्कार्ड करना होता है इस तरह से ब्रेस्ट पंप के सहारे से। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आगे जाकर के आपके ब्रेस्ट के अंदर ये मिल्क पस के रूप में इकट्ठा हो जाता है, यानी कि ये मिल्क जो है अंदर जाके सड़ जाता है और ऐसे के अंदर फिर हमें चीरा लगवा के इसे निकलवाना पड़ता है, तो इसमें और भी समस्याएं क्रिएट हो जाती है। तो टाइमली आप इस तरह से ब्रेस्ट पंप के सहारे से मिल्क को बाहर निकाल के डिस्कार्ड कर सकते हैं, और यहाँ पे आप शुरुआती के अंदर ही अगर बच्चे को अच्छे से फीडिंग कराते हैं तो दिक्कत नहीं आती है। तो मान लीजिए अगर आपके पास में इस तरह से एक निप्पल शीट आप मार्केट से ले सकते हैं, किसी भी मेडिकल स्टोर पे आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि जिन भी महिलाओं के निप्पल बने हुए नहीं होते हैं उनके लिए ये शील्ड जो है बहुत ही निप्पल शीट जो है बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। और अगर आपके ब्रेस्ट निप्पल के अंदर हल्का सा कट लग गया या घाव हो गए हैं या आपको उसमें काफ़ी पेन होता है फीडिंग कराते समय, तो आप इस निप्पल शील्ड का सहारा ले सकते हैं। 2 केसेस के अंदर ही निप्पल शील्ड काम आती है। अगर आपके निप्पल नहीं बने हुए हैं या फिर आपके निप्पल में कट लग गया है, फीडिंग कराते समय आपको काफ़ी दर्द महसूस होता है, तो आप इस निप्पल शील्ड का सहारा ले सकते हैं। इससे बच्चा प्रॉपरली दूध पी लेता है और आपको भी कोई परेशानी नहीं आती है, बहुत ही अच्छी तरह से कंफर्टेबल है। 65 rupees ओनली इसकी रेट है और इसे निप्पल शील्ड कहते हैं। अग्रवाल सर्जिकल एजेंसी का ये है, काफ़ी कंपनी के मिलते हैं, आप किसी भी कंपनी का खरीद सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इस तरह से देख सकते हैं वीडियो के अंदर कि आप किस तरह से इस पर निप्पल शील्ड लिखा हुआ है, और ये बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत कंफर्टेबल है बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी। इससे बच्चा बिल्कुल माँ का दूध पी सकता है प्रॉपरली। माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत ही सर्वोपरि होता है, हमें हमेशा अपना ही दूध बच्चे को पिलाना चाहिए। डब्बे का दूध या मार्केट वाला जो मिल्क पाउडर होता है उससे बच्चे की ग्रोथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस तरह से अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कराने में असमर्थ हैं या आपको प्रॉब्लम है तो आप इस निप्पल शील्ड के सहारे अपने बच्चे को फीडिंग करा सकते हैं, और आप अपना खुद का ही मिल्क पिलाएंगे तो बच्चे का पेट भी भर जाएगा और बच्चे की ग्रोथ के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा आपसे फीडिंग करेगा आपके निप्पल खुद ब खुद बनने लग जाएगी। और फर्स्ट डिलीवरी के अंदर ही हमें ये प्रॉब्लम आती है, बाद में हमें ये प्रॉब्लम नहीं रहती है। और जब भी अगर घर में बुजुर्ग महिला नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो इस तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आजकल मेडिकल मार्केट में काफ़ी नए साधन आ चुके हैं जिनसे आप यूज़ में ले करके अपनी लाइफ को थोड़ा सा इजी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इसको लगाने का तरीका ये है कि जो आगे निप्पल वाला शील्ड है, ये जो निप्पल बनी हुई ये हमारे ऊपर की तरफ रहेगी, और पीछे का जो ये कवर एरिया है इसको आपको बैक साइड की तरफ लगाना है, जहाँ पे आपका ब्रेस्ट है वहाँ पे इसको ऐसे लगाएंगे तो ये लग जाएगा, और इसको हल्का सा बस आपको हाथ से पकड़ना है। यहाँ पे ये देखिए इस तरह से ये रिंग है,
ये रिंग आपको वहाँ पे ब्रेस्ट पे लगानी है और निप्पल का मुंह आगे की तरफ रखना है, निप्पल की तरफ, और इसको आपको हल्का सा दबा के रखना है। और फिर आप बच्चे को फीडिंग कराइए, बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही इजी है, और इससे आप बच्चे को पेट भर के दूध पिला सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और मेरा वीडियो अगर आप देख रहे हैं और इस वीडियो को आप पूरा देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम यानी कि समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं कि ये आपको अगर यहाँ पे इसमें कुछ भी प्रॉब्लम लगती है तो आप पूछ लें कमेंट करके। मेरा वीडियो, मेरी जानकारी आपको कैसी लगी है फ्रेंड्स, कमेंट्स करके कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन ज़रूर दबा लें ताकि आपको मेरे अगले नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए।